समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शानी अली सानू के खिलाफ नगर निगम द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के संबंध में समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। बुधवार को समाजवादी पार्टी के विधायक गढ़ कमाल अख्तर काट मोहम्मद फहीम इरफान बिलारी हाजी नासिर कुरैसी मुरादाबाद देहात एवं जियाउर रहमान बर्क कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र ने जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू के खिलाफ नगर निगम द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को बेबुनियाद बताते हुए निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। विधायक काट कमाल अख्तर ने कहा कि विपक्ष का काम जन समस्याओं को उजागर करना और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराना है। इसी संबंध में शानी अली शानू ने कुछ दिन पूर्व अपर नगर आयुक्त को एक प्रार्थना पत्र देकर महानगर के झारखंडी मंदिर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कराने के साथ साथ अन्य जन समस्याओं को उजागर करते हुए समाधान कराए जाने की मांग की थी, लेकिन नगर निगम द्वारा शानी अली शानू पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न ने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने इस मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग उठाई है। विधायक बिलारी मोहम्मद फहीम इरफान ने भी सपा के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष सानी अली सानू का समर्थन करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा उन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह बेबुनियाद है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिलाधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच कराए जाने का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को दिया गया है। जिलाधिकारी से वार्ता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक काट कमाल अख्तर, विधायक बिलारी मोहम्मद फहीम इरफान एवं विधायक मुरादाबाद देहात हाजी नासिर कुरैसी ने संयुक्त रूप से बताया। देखिए थोड़ा नीचे शासन की भी ये मंशा है कि सभी विधायक एक दिन अपने क्षेत्र की समस्या लेके डीएम साहब से, कप्तान साहब से, कमिश्नर साहब से, इनसे मिलके उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। आज उसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहब से मिले थे और सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें थी। अभी कल एक हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं शानी अली शानू साहब, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि जब कहीं ना कहीं कोई समस्या होती है तो उसको लेके अधिकारियों के पास ही उसका अनुरोध लेके जाता है। तो अभी वो एक मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पे माँ शिव झारखंड मंदिर है, जहाँ शिवरात्रि के ऊपर अब वहाँ पे बड़ा आयोजन होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो उसकी समस्या के लेके वो मिले अधिकारियों से, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसको जो है FIR करा दी गई कि साहब उन्होंने धमकी दी है, जबकि ऐसे नहीं थी। उसको भी हमने DM साहब से अनुरोध किया है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्या आश्वासन दिया DM साहब? DM साहब ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और उसमें जो भी सही से सही है उन्हें इंसाफ मिलेगा। जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप आज विधायकों का मुलाकात हुआ, सारे विधायक हमारे यहाँ बन रहा है 800 करोड़ लागत से बन रहा है, उसको लेकर के क्योंकि बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो मेरे वाले सीलिंग की जमीन निकलवाई थी, सीलिंग की जमीन, तो वहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके सिलसिले में मुलाकात हुई और भी सब हमने अपनी समस्याओं को रखा और इस सिलसिले में भी हमारी बात हुई और हमने कहा कि शासन और प्रशासन और हम और आप एक जनता के सेवक हैं, अगर कोई आपस में नाइतफाकी अगर हो भी गई है तो उसको बैठ कर समझा दिया जाए, सुलझा दिया जाए। हमारा मकसद भी है कि हम लोग प्रॉपर वे में, कोई अगर आपस में किसी तरीके को लेकर कोई नाराजगी हो भी गई है, पता चला है उनके खिलाफ किसी ने कोई FIR कराई है। हमने अभी DM साहब के सामने बात रखी, उन्होंने आश्वासन दिया उसमें जांच कराएंगे, हमने कहा उसमें निष्पक्ष जांच करा करके आप देखिए उसको जो भी उसका निस्तारण। इस संबंध में जब SP सिटी अखिलेश भदौरिया से बात की गई तो उन्होंने बताया, ये कल एक प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता नगर निगम मुरादाबाद उनकी ओर से जो अपर नगर आयोग के द्वारा उसको एंडोर्स करके भेजा गया था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि एक कोई शानी अली सानू नाम के कोई व्यक्ति हैं जो एक पार्टी विशेष से संबंधित हैं, उनके द्वारा इनके अधिशासी अभियंता के कार्यालय में आके उनके संग उन्होंने उनको कुछ धमकाया और कुछ काम उनको दिए जाने के लिए उनको प्रेशराइज किया गया और उनको सरकारी काम करने से रोका गया। इस आशय का एक प्रार्थना पत्र थाना सिविल लाइन्स को दिया गया था, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं उसके संबंध में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जो भी तथ्य सामने आएंगे
उसी के क्रम में विधिक कार्यवाही की जाएगी। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शानी अली सानू से उनके ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, देखिए लगभग आठ से दस दिन पहले मैंने प्रार्थना पर दिया था, झारखंडी मंदिर से जो नाला है उसका पानी लगभग एक महीने से सड़क पे चल रहा था, जिसको नवराय जी ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए थे साइंटिस्ट डॉक्टर को। वो दो दिन पहले भी सफाई शुरू हुई थी, वो सफाई जो थी ढंग से नहीं कर रहे थे और एक दो पुलिये जो हैं वो नाले के अंदर थी, उनकी जानकारी के लिए मैंने जो निर्माण विभाग में एक्शन है घाटी साहब उनको फ़ोन किया कई मरतबा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मैं फिर ऑफिस उन्हें ये बताने चला गया, मैंने ऑफिस में उनसे कहा कि मैंने आपको कई फोन किया आपका फ़ोन नहीं था, तो वो उसको गिरा गए बात सुना लग गया और उन्होंने मेरे साथ अभद्रता चालू कर ली, क्योंकि वो जो माहौल बनाना चाह रहे थे मैं समझ गया था, इसलिए मैं खामोश बैठा रहा और उन्होंने जितनी चीख पुकार करनी थी की। अपन नवराय जी आ गए, अपन नवराय जी ने कहा आप यहाँ से जाइए मैं बात करता हूँ, अपन नवराय जी के कहने से मैं वहाँ से आ गया, वहाँ से आने के बाद कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ़ एफआईआर हो गई। अब मेरा प्रशासन से ये मांग है निष्पक्ष जांच कराकर जो भी न्यायोचित हो वो किया जाए। क्या आरोप है आपके ऊपर? उन्होंने मैंने अखबार में पढ़ा है कि मैंने उनके साथ गाली गलौज की है और धमकाया है, जबकि वहाँ जो पहले से ही उनके केबिन में ठेकेदार मौजूद थे कहीं, ये बात वो ही बता देंगे क्या बात हुई क्या नहीं हुई, किसने बदतमीजी की किसने नहीं की, उनका वो एकदम इस बात पे भड़क गया कि भाई अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो क्या है। मैंने उनसे कहा सी वी जी नंबर है आपका, आपको फ़ोन उठा लेते तो मैं यहाँ था ही नहीं, मगर वो इस पर बिगड़ गए और ये कहने लगे हम फोन नहीं उठाएंगे जो तुमसे किया जाए कर लो। समाजवादी पार्टी के विधायक गण के प्रतिनिधि मंडल से हुई बात, देखिए एक समाजवादी पार्टी से उनके खिलाफ कल एफआईआर हुई है नगर निगम के किसी नगर निगम के कर्मचारी के अभद्र व्यवहार को लेकर, उस संबंध में लोगों ने आज अपना ये बात हमारे सामने रखी, उस प्रकरण की हम जाँच करा देंगे और जो भी विधि संगत नियम समारोह है उनके माध्यम से। आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था? देखिए हमारे द्वारा ही क्या गया, इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी जो सही होगा।